सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों, सभी 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए DRDO में वैकेंसी आ चुकी है। हाँ, जितने भी बच्चे 10वीं पास हो चुके हैं उनके लिए DRDO ने निकाला है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में भर्ती। DRDO मींस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1817 वैकेंसी आ चुकी है। हाँ बच्चों, आपकी 10वीं पास होना चाहिए और इसमें हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वैकेंसी आपसे चूकना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए जब DRDO लेकर के आ रहा है आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी। तो चलिए जानते हैं इस नोटिफिकेशन को। और आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 23 दिसंबर 2019 और समय है 10 बजे। 10 बजे से ये ओपन हो जाएगी 23 दिसंबर को। ये फाइनली आप फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है। दूसरी बात अगर हम करें कि कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 23 जनवरी 2020 तक। 23 जनवरी 2020 समय याद रखेगा, शाम 5 बजे तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही ये ओपन होता है हम कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दे, ठीक है। और एग्जाम की डेट बाद में अनाउंस होगी, लेकिन एग्जाम्स बहुत जल्दी हो जाएगा। आप उसकी का इंतजार नहीं करिएगा, तैयारी पूरी रखिएगा क्योंकि आपके पास शुरुआत हो चुकी है। DRDO ने MTS की वैकेंसी लेकर के आ गया है, 10वीं पास चाहिए बस, ठीक है बच्चे। चलिए तो आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख रहे होंगे, तो यहाँ मैंने जैसे बताया आपको कि 10वीं पास आपका होना चाहिए। और अगर आपका 10वीं पास है और उसके अलावा अगर आपके पास ITI भी है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये आपका कम से कम 10वीं पास आपका होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप पोस्ट देख लीजिए, ये सारी पोस्टें हैं, ठीक है। उसके साथ आप पे स्केल की बात करते हैं, तो पे स्केल जो रहेगा मैट्रिक लेवल 1 रहेगा, 18,000 से 56,900 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। बच्चे एज लिमिट की अगर आप बात करें तो एज लिमिट आपकी होना चाहिए एज 18 से 25 वर्ष आपकी एज होना चाहिए। और साथ ही रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, अगर आप SC ST OBC के हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन है। लड़कियों के लिए खासतौर से रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो रिलैक्सेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल वालों के लिए जो एज रहेगी 18 से 25 वर्ष रहेगी, ठीक है बच्चे। और आगे बात करें तो सिटी ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, तो कहाँ कहाँ आपकी पोस्ट हो सकती है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आगरा, अहमदनगर, है ना, बहुत सारे यहाँ पर शहर आपको दिख रहे हैं, तो ये आपके पोस्ट की सिटी रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करें थोड़ा सा एलिजिबल क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की नेशनलिटी होना चाहिए, इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो हम बात करेंगे अब थोड़ा सिलेबस की और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो दो एग्जाम्स होने वाले हैं आपका, Tier 1 और Tier 2। टीयर 1 जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीयर 1 जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और टीयर 2 जो होगा फाइनल सिलेक्शन आपका माना जाएगा। तो बच्चे दो एग्जाम्स होने वाली है, इसमें आपको मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मीडियम देख रहे हैं, द मीडियम फॉर एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ना तो टीयर 1 के लिए कोई माइनस मार्किंग है, ना तो टीयर 2 के लिए माइनस मार्किंग है। मतलब कि आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्यूरेसी बना करके चलना पड़ेगा ताकि हम सिलेक्शन ले। हमारा पूरा फोकस सिलेक्शन पे होना चाहिए और तैयारी भी हमारी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो बच्चे सिलेबस यहाँ पर डिटेल में आप देख लीजिए, डिटेल में सिलेबस है CBT स्क्रीनिंग, तो यानी पेपर 1 जो है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ये आपका रहेगा CBT 1 स्क्रीनिंग टेस्ट। और जिसके लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। जैसे आप ये क्वालिफाई करेंगे तो आपके लिए CBT फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन में आपको आपके पास दूसरा पेपर मिलेगा आपको, और ये है जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। जनरल मैथ्स, जनरल वाला मैथ्स है, इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए।
और जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो इसके लिए भी समय है 90 मिनट का। तो बच्चे जैसे आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेंगे देन रिजल्ट आएगा, उसके सेकेंड लेवल जो आपका है सीबीटी फाइनल सिलेक्शन वाला आपका प्रोसीजर रहेगा, जिसका सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। हम इसके अलावा भी आपको बता देंगे कि कौन कौन से लेक्चर्स कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको आगे हम लोग जैसे नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि 23 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जैसे ही वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे, फाइनल वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सभी को इस वैकेंसी के बारे में पता चले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते हैं वो आप तक पहुँच सके। तो ये वीडियो कैसी लगी, लाइक ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।